देखिए घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, वहाँ से ये तीन गाड़ियाँ थीं जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। ये विवेचना का विषय है उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वो लोग तत्परता से वहाँ पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं। जो इंजर्ड थे पांच लोग इसमें, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं। जो अभी तक जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग पाँच टीम्स बनाई हुई हैं, वो सभी इस घर में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है और जो इनका भतीजा जो है जो कि जेल में बंद है, जिस पर इनके द्वारा इस बात के लिए कहा जा रहा है कि इस षड्यंत्र में ये पूरी तरह से शामिल है। बहुत सारे महत्वपूर्ण जैसा कि मैंने बताया कि क्लूज मिले हैं जिस पर विवेचना की जा रही है। ये एक पारिवारिक रंजिश का प्रकरण है जिसमें कि पुरानी हत्या से लेकर के जो संपत्ति के इशूज़ कई हैं उसको कई सारे उसके डायमेंशनस हैं, उन सभी डायमेंशन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल इतना तय है कि जो भी दोषी है उसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस प्रकरण में जो इस रंग की जो पारिवारिक रंजिश में जो भी लोग शामिल हैं इसमें हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लगी हुई बताई जा रही है, क्या मामला सर? ये फूल ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं जो एक शादी में भाई पूरा गांव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहां से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है। इसमें पाँच लोगों को गोली लगी है, इलाज के लिए सबको हाजी में भिजवा दिया गया है। और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं उसके द्वारा यह घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित है। अभी मैं सही से देख भी नहीं पाया हूँ, मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिए थे, अभी उनको सबको रेफर कर दिया गया, अभी पता करूँगा कि कौन उनके साथ गया। उनसे हमलावर पर क्या हथियार थे कुछ मालूम था? जिस टाइप के वहाँ असले चले हैं और गोलियाँ चली हैं वो सब स्वचालित 100% थे सारे पिस्टलों के। कितने लोग थे हमलावर? 5 से 6। क्या आशंका है कि आपको किसी पे शक है? आशंका है वो कप्तान साहब को भी बता दिया, फिर बता 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया, 50 से 60 गोली चलाई है। जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए गए, AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी, कोई पहचान नहीं हो पाई। सवार में गोली नहीं चलाई, हम जैसे शादी में से निकले घर के बराबर में वो खड़े थे, वहाँ से उन्होंने गोलियाँ चला दी।